कश्मीर में हुए आत्मघाती हमले के बाद 39 वीर जवानों की शहादत के बाद पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश का ज्वालामुखी धधक उठा है। खासकर युवा वर्ग इतना आक्रोशित है कि वो पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहा है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों एवं व्यापारी वर्गों से मेरी बात हुई है, पेश एक मुलाकात। से ठोस कदम उठाना चाहिए, अगर आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको, कोई नाकामी है, कोई लापरवाही? नाकामी ये जांच का विषय है, जांच आने पर अगर जिसका भी दोष पाया जाता है उस पर ठोस कदम उठाए जाए और विकास कार्य रोक के अब पाकिस्तान पर पहल करनी चाहिए। पाकिस्तान का निर्णायक भूमिका पे अदा करनी चाहिए कि इसके साथ होना क्या चाहिए। क्या मोदी सरकार को सर्जिकल की आवश्यकता है? सर्जिकल तो इनके कर्मों को देखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत छोटी चीज है, इससे भी बड़ा कदम उठाना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म ही नष्ट कर देना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये अब देश आर पार चाहता है, ऐसी प्रतिक्रिया चाहता है जिससे पाकिस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग क्या करने की ताकत और क्षमता रखते हैं। इस तरीके के रोज रोज के हो रहे हमलों में तमाम वीर जवान शहीद हो चुके हैं। कब तक हम लोग शांत और ऐसे बैठे रहेंगे? हर नौजवान के अंदर एक आक्रोश है और अब पाकिस्तान से आर पार की बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सर्जिकल होना चाहिए स्ट्राइक? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जो भी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऐसी, हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ऐसी प्रतिक्रिया करें कि वो एक देश में नहीं पूरे विश्व में एक मिसाल बन जाए, ताकि इन आतंकवादियों को, इन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को एक संदेश मिल सके। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, हमारे सैनिक इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जैसे उरी हमले का जवाब दिया गया था उससे कहीं बढ़ चढ़कर इसका जवाब दिया जाएगा और 39 की जगह हम जो है 400 सिर लाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि अभी कहा है कि हमने अपनी सेना को पूरी पूरी छूट दे रखी है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष, पूरे पक्ष के लोग उनके साथ खड़े हैं। ये सेना का मामला है, इसमें राजनीतिकरण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत है सीधे सीधे हमले की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान के नपुंसक लोग सीधी भाषा नहीं समझते हैं। इनको जब तक उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये समझेंगे नहीं। इनसे कोई वार्ता नहीं करनी, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, इन पे सीधे हमला करके पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की अब जरूरत है, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा होता है अगर उसके साथ आप वैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो संभलेगा नहीं। और इन दुष्टों को संभालने के लिए अब दुर्गा के रूप में इनकी छाती पर चढ़कर इनको औकात बता देने की जरूरत है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि निश्चित तौर पर अब सर्जिकल स्ट्राइक के बजाय सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला करके और तिरंगे को कश्मीर लाहौर की छाती पर लहराने की जरूरत है। तो हम उन भारत माँ के सच्चे सपूतों को अश्रु भरी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद घटना भारतवर्ष के लिए है और इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से ये अपना अगला कदम तय करेगी। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरीके का हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मोदी सरकार में तो कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हम 10 साल आएंगे, उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे।